हेलो जी, क्या हाल चाल? सब चकाचक चल रहा है ना? वैसे यदि ऊपर वाले ने आपको बहुत सारा पैसा दिया है ना, तो आपको अपना दिमाग चलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके पास आईफोन जैसे बहुत ही कमाल के फोन हैं और साथ में सैमसंग के भी बहुत अच्छे वाले फोन इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन आपका बजट लिमिटेड है तो भाई कुछ भी आप नहीं कर सकते। बस आपको ऐसा फोन लेना है जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी सारी की सारी नीड को अच्छी तरह से फुलफिल कर दे। और इंडिया में इतने फोन आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है यार मधुमक्खी का छत्ता है, कौन सा फोन लिया जाए, कौन सा फोन छोड़ दिया जाए, बहुत बड़ा वाला कंफ्यूजन है। और मैं आप लोगों को एक चीज जरूर कहूंगा, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, बार बार कहते हैं यार क्या ये फोन 2 से 3 साल चल पाएगा, क्या ये फोन लेके हम संतुष्ट हो जाएंगे। मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम चले तो चांद तक और नहीं चले तो शाम तक। बस सबसे पहले जब भी आप फोन बाय करिए, अच्छा वाला टेम्पर्ड ग्लास 100-200 और खर्च करके ले लीजिएगा, क्योंकि फोन की जो डिस्प्ले होती है एक बार टूटी तो बड़ा खलने वाला है। लेकिन आज मैं जिन 7 फोनों के बारे में बात करने वाला हूं ना, यदि आपका बजट है 20,000 रुपए के आसपास, मेरे भाई ये फोन आपको मायूस नहीं करेंगे। मैं नॉन चाइनीज फोन के बारे में भी बताऊंगा। चाइनीज तो बहुत सारे फोन आ चुके हैं, 5G वाला जिनको फोन लेना है उनके लिए भी यार भरपूर मात्रा में इंडिया में बहुत ही अच्छे अच्छे वाले फोन है। सबसे पहला जो फोन है ये है रियलमी का नार्जो 30 प्रो। मेरे भाई एक तो 5G वाला फोन है, यहाँ पर जो आपको प्रोसेसर मिल रहा है ना, ये है मीडिया टेक का डायमेंसिटी 800U। ये अच्छा वाला प्रोसेसर है, 5G वाले सिम कार्ड काम करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो आगे आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन आपको गेमिंग में नहीं दिक्कत होने वाली है। साथ में जो फोन की डिस्प्ले है ये है 120Hz का फुल HD+। यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, 30W का जो चार्जर है ये भी बॉक्स के अंदर मिलता है। रियलमी का UI आज की डेट में मुझे अच्छा लगता है। और जो यार पीछे की तरफ कैमरा है ये है 48MP का ट्रिपल कैमरा। मेरे हिसाब से ये फोन में उन लोगों को जाना चाहिए जिन लोगों को 5G वाला फोन लेना है, और आपको सेल के टाइम ये सस्ते रेट में पड़े तो आप इसी फोन में जाइएगा। मार्केट में और भी अच्छे अच्छे वाले फोन है, सस्ते भी फोन है, जैसे रियलमी का 8 5G है, रियलमी का नार्जो 30 5G है। मेरे हिसाब से रियलमी का नार्जो 30 प्रो अच्छा वाला फोन है। अब जो दूसरे नंबर का फोन है ये है रेडमी का नोट 10 प्रो। मेरे भाई ये जो फोन है ना, बिल्ड क्वालिटी में आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करेगा। पीछे की तरफ जो डिजाइन मिल रहा है ये भी काफी अच्छा है, 120Hz का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। मेरे हिसाब से इस प्राइस ब्रैकेट में शाओमी ने बहुत ही अच्छा वाला कंपटीशन सेट कर दिया है। यहां पर आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है यह है स्नैपड्रैगन का 732G। ये प्रोसेसर अच्छा वाला प्रोसेसर है। मेरे हिसाब से यदि आपको 5G वाला फोन नहीं लेना है तो भाई 4G में ये प्रोसेसर आपको काफी कमाल का लगेगा। पीछे की तरफ जो आपको कैमरा मिल रहा है ये है 64MP का क्वाड कैमरा। यहां पर भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और जो यार इस फोन की बैटरी है ये है 5020mAh की, 33W का जो फास्ट चार्जर है वो भी आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। यहां पर आपको क्या खल सकता है, यदि आपको MIUI से कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप इस फोन में जा सकते हैं। जो बैटरी है वो थोड़ी सी और बिंदास हो जाए और इस फोन का जो प्राइस है वो हाइक ना हो, ये बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन है और ये बहुत बड़ी वाली बात है। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? अगला जो फोन है ये है मोटो का G60, और ये फोन भी कुछ महीने पहले इंडिया में लॉन्च हुआ है। प्रोसेसर अच्छा वाला मिलता है, वही वाला प्रोसेसर है जो आपको रेडमी के नोट 10 प्रो में देखने को मिल जा रहा है। पुराना वाला प्रोसेसर है लेकिन डिसेंट प्रोसेसर है, 5G वाले सिम कार्ड आप डाल नहीं सकते हैं। और जो सिम स्लॉट है वो है हाइब्रिड सिम स्लॉट, 120Hz का फुल HD+ वाला डिस्प्ले है, ये भी आपको मायूस नहीं करेगा। पीछे की तरफ जो कैमरा है ये है 108MP का ट्रिपल कैमरा, ये भी आपको अच्छा लगेगा। 6000mAh की बैटरी मिल जाती है। साथ में जो UI है यहां पर आपको कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलेंगे। जो फोन का वेट है ये आपको थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। यदि आपको बड़े वाले फोन पसंद है तो मेरे भाई आप जा सकते हैं मोटो के G60 में, और आपका बजट कम है तो यार जो मोटो का G40 फ्यूजन है ये भी आपको निराश नहीं करेगा। यहां पर आपको 64MP का कैमरा मिल जाता है, आगे की तरफ जो सेल्फी कैमरा है ये भी आपको अच्छा मिल जा रहा है। मेरे हिसाब से मोटो का G40 फ्यूजन आपको सही रेट में पड़े तो आप इस फोन में जा सकते हैं। अब जो अगला फोन है ये है रियलमी का X7, और ये जो फोन है ये भी 5G वाला फोन है, प्रोसेसर वही वाला देखने को मिल रहा है।
जो Realme के नार्जो 30 Pro में देखने को मिलता है, ये है यार Dimensity का 800U, अच्छा वाला प्रोसेसर है। पीछे की तरफ जो कैमरा है यह है 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, और कैमरा भी आपको अच्छा लगेगा। फोन का जो डिजाइन है यह भी आपको निराश नहीं करेगा। हाँ, डेयर टू लीव लिखा हुआ है, यदि आपको इससे दिक्कत नहीं है तो आप इस फोन में जा सकते हैं। 50 वॉट का आपको चार्जर देखने को मिल जा रहा है, जो डिस्प्ले भी है वो है सुपर एमोलेड, यह भी आपको मायूस नहीं करेगी। ओवरऑल मुझे लग रहा है यार आपका बजट कम है और आपको डिस्काउंट में Realme का X7 मिल जाए तो आप इस फोन में जा सकते हैं। अब चलते हैं यार अगले फोन की तरफ, और ये जो फोन है ये महंगा वाला था लेकिन कहीं ना कहीं डिस्काउंट में आपको Samsung Galaxy M51 पड़ जाए तो आप इस फोन में जा सकते हैं। यार अभी जो ऑफर आया था ना, 18,000 रुपए के आसपास ये फोन मिला था, ऊपर से आप बैंक ऑफर भी लगा सकते हैं। यहां पर आपको जो बैटरी मिल रही है यह है 7,000 mAh की, उसके साथ साथ जो प्रोसेसर है यह है स्नैपड्रैगन का 730G, बहुत ही अच्छा वाला प्रोसेसर है। और मुझे ये भी चीज अच्छी लगी कि पीछे की तरफ जो कैमरे का सेंसर है ना 64 मेगापिक्सल वाला, वो है सोनी का सेंसर। यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, और सैमसंग की जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले के कलर होते हैं ये काफी पंची होते हैं, काफी अच्छे होते हैं, और जो UI है ये भी आपको निराश नहीं करेगा। आपको नॉन चाइनीज फोन लेना है, आपको अच्छा डिस्प्ले वाला फोन लेना है, अच्छा कैमरे वाला फोन लेना है, और बड़ी वाली बैटरी भी मिलनी चाहिए, तो यार ऑफर में Samsung का Galaxy M51 आप ले सकते हैं। हाँ, फोन नया वाला नहीं है, पुराना वाला फोन है। अब जो अगले नंबर का फोन है यह है IQ का Z3, ये भी आपको बैंक ऑफर लगा के काफी सस्ते रेट में पड़ जाता है। यहां पर आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है यह है स्नैपड्रैगन का 768G, भाई काफी अच्छा वाला प्रोसेसर है, 5G वाला प्रोसेसर है, आप अच्छी वाली गेमिंग भी कर सकते हैं, ये फोन भी आपको मायूस नहीं करेगा। आगे की तरफ जो आपको डिस्प्ले मिल रही है यह है 120Hz का फुल HD+, हाँ वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है। पीछे की तरफ जो कैमरे का मेन सेंसर है यह है 64 मेगापिक्सल का, और जो चार्जिंग है वो है 55 वॉट की, बहुत ही जल्दी फोन चार्ज हो जाता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है यदि IQ का Z3 आपको सही रेट में पड़ जाए तो आप इस फोन में जा सकते हैं। और मैं इतना जरूर कहूंगा, काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आज भी स्नैपड्रैगन में बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। मीडियाटेक के 5G वाले प्रोसेसर इंडिया में तो बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर वाले फोन होते हैं ना, उनकी जो डिमांड होती है, उनका जो प्रोसेसर होता है वो समय के साथ स्लो हो सकता है, ना हो। अब यार सॉफ्टवेयर के थ्रू कंपनी स्लो करना चाहती है तो कुछ भी कर सकती है। अब जो आखिरी नंबर का फोन है ये है Realme का 8 Pro। यार पीछे की तरफ जो आपको कैमरा देखने को मिल रहा है ये है 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, 50 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। यहां पर आपको वही वाला प्रोसेसर मिल रहा है जो आपको Realme के 7 Pro में भी देखने को मिल चुका है, ये है स्नैपड्रैगन का 720G, और ये जो प्रोसेसर है ये आपको अच्छा लगेगा, 732G, 730G और साथ में 720G वाले फोन आज की डेट में भी आप ले सकते हैं। यहां पर आपको सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले मिल जाती है, और ओवरऑल काफी अच्छा वाला डिजाइन है, और कहीं आपको सस्ते रेट में Realme का 7 Pro मिल जाए तो आप उस फोन में भी जा सकते हैं। 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा मिल रहा है वो भी आपको अच्छा लगेगा, 65 वॉट की चार्जिंग मिल जाती है। तो भैया जहां पर आपको पैसे बचे उस वाले फोन में आप जाइएगा। अपनी लिस्ट में यार दो फोन और ऐड करूंगा, आपका बजट कम है और आपको गेमिंग वाला फोन लेना है तो यार पोको का X3 Pro आप ले सकते हैं। स्नैपड्रैगन का 860 जो प्रोसेसर है ये काफी पावरफुल प्रोसेसर है, 120Hz का आपको डिस्प्ले मिल जाता है, पीछे की तरफ जो कैमरा है ये भी आपको मायूस नहीं करेगा। लेकिन इस फोन में उन्हीं लोग को जाना चाहिए जिनको अच्छा गेमिंग वाला फोन लेना है और उनका बजट कम है, वही 17,000-18,000 रुपए, और कहीं आपको ऑफर लगा के ये फोन सस्ते रेट में पड़ जाए तो आप जा सकते हैं पोको के X3 Pro की तरफ। और एक फोन है जो आपको ऑफलाइन मार्केट में सस्ते रेट में देखने को मिल सकता है, ये है Vivo का V20, और इस फोन का जो प्राइस है वो आपको 20,000 रुपए के आसपास केवल बाहर जो आसपास की दुकानें हैं वहां पर मिल सकता है। डिजाइन आपको अच्छा मिल जाता है, काफी स्लिम वाला फोन है, 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, एमोलेड डिस्प्ले है, जो चार्जिंग है वो आपको 33 वॉट का मिलता है। मेरे हिसाब से Vivo का V20 ऑनलाइन से अच्छा ऑफलाइन ट्राई करिएगा।
तभी आपके पैसे बचेंगे। वैसे आज की लिस्ट में मैंने बहुत सारे फोनों के बारे में बताया है, अभी भी आपके दिमाग में कोई और फोन हो और आप चाहते हैं नहीं यार हमारी लिस्ट में उन फोनों का भी नाम होना चाहिए, तो नीचे कमेंट करिए। और आपके दिमाग में कोई और डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल बटन होगी उसको भी प्रेस कर देंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा। और अब मैं यार थोड़ा सा अपना नाश्ता कर लेता हूँ।